आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं प्रियंका मिश्रा। आज के मुख्य समाचार, महंत दीपक गिरी महाराष्ट्र में देवलोक गमन, ओवरटेक की कोशिश में आपस में मिले दो ट्रक, कोई हताहत नहीं, तैराकी प्रतियोगिता में सौर बंसल रहे प्रथम, बाल सभा के तहत पौधारोपण कर दिया स्वच्छता का संदेश, हर जिले के वैज्ञानिक बनने का सपना हुआ साकार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित, भारत विकास परिषद के स्कूली बच्चों को विद्युत की पाठ्य सामग्री, माधवेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 9 जुलाई से, वेलफेयर सोसाइटी ने विद्युत की पाठ्य सामग्री, एजुकेट गर्ल्स एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। महंत दीपक गिरी महाराज हुए देवलोक गमन। सिरोही से रमेश सुथार की रिपोर्ट के अनुसार कालिंदी कस्बे में हड़ंतिया हनुमान जी मंदिर गिरनारी आश्रम के महंत दीपक गिरी महाराज का देवलोक गमन हो गया। बुधवार को उनकी गाजे बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर बैठकी निकाली गई। इस मौके पर दूर दराज से हजारों की तादाद में संत महात्मा व आम लोग आश्रम पहुंचे व कई आयोजनों में शिरकत की। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में पार्थिव देव को समाधि दी गई। इस दौरान आबूराज संत सेवा मंडल के अध्यक्ष महंत वीरम गिरी महाराज, सचिव महंत तीर्थ गिरी महाराज, महंत सेवा गिरी महाराज बुढ़ा, महंत लहर भारती महाराज सिरोही, महंत धर्मराज भारती महाराज अबू पर्वत समेत सैकड़ों संत महात्मा उपस्थित थे। शुक्रवार को समाधि पूजन व शंभू रोड का आयोजन करने का आबूराज संत सेवा मंडल ने तय किया है। इस दौरान सिरोही विधायक स्वयं लोढ़ा, भयत भाजी, मोजिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित, व्यापार संघ अध्यक्ष कमलेश पुरोहित, सचिव अर्जुन सिंह दहिया, भवर माली, जगदीश माली, दिलीप सिंह राठौर, पूर्व सरपंच हेमलता शर्मा, सुरेश पुरोहित, सवाराम घाची, महेंद्र पुरोहित, रतन लाल प्रजापत समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान कस्बे समेत आसपास के दर्जनों गाँव के साथ जिले और प्रदेश भर में महाराज के भक्तों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कालिंदी व्यापार संघ ने महाराज के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। ओवरटेक करने की कोशिश में आपस में भिड़े दो ट्रक, कोई हताहत नहीं। पिंडवाड़ा से राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती अजारी फाटक पर गुरुवार सुबह करीबन 5 बजे जल्दी निकलने के चक्कर में सही साइड में चल रहे ट्रक को रॉन्ग साइड पर चल रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पीछे से आ रहे ट्रक ने जैसे ही आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो दोनों आपस में भिड़ गए, जिसमें रोड पर जाम जैसी स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार बाईपास पर कोई दिशा निर्देशन बोर्ड लगा हुआ नहीं है, जिससे यात्री रास्ता भटक जाते हैं और सिरोही के स्थान पर उदयपुर पहुंच जाते हैं। बोर्ड नहीं होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन व वालेरा टोल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे आए दिन बड़े हादसे होते रहे। तैराकी प्रतियोगिता में सौर्य बंसल रहे प्रथम। आबू रोड से लई कमत की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय माउंट वैली रिसोर्ट में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया। तैराकी प्रतियोगिता के आयोजन जैक सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगिता 3 चरणों में करवाई गई, जिसमें अलग अलग ग्रुप में करीब 40 प्रतियोगियों ने भाग लिया। सोलंकी ने बताया कि इस मौके पर बच्चों के परिवारजन उपस्थित थे। प्रतियोगिता 3 अलग अलग ग्रुप में आयोजित की गई। प्रथम ग्रुप 10 वर्ष बालक बालिका में प्रथम सौर्य बंसल पुत्र रितेश बंसल, द्वितीय भविष्य गोयल पुत्र पानिल गोयल, तृतीय सुहानी बंसल पुत्र अमित बंसल, 15 वर्ष तक के ग्रुप में प्रथम ओम दवे, द्वितीय गर्भित, तृतीय दक्ष रहे, 20 वर्ष के ग्रुप में प्रथम व वत्सल द्वितीय आदित्य, तृतीय तेसीम सार है। सभी विजेताओं को पारितोषित वितरण किए गए। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों के परिजन सहित शहरवासी मौजूद थे। बाल सभा के तहत पौधारोपण कर दिया स्वच्छता का संदेश। आबू रोड से लई कमत की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तनुभाव का बृहद सामुदायिक बाल सभा का आयोजन मुखरी माता मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य कमलेश कुमार परियार ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बी के भरत भाई थे, जबकि अध्यक्षता मुखरी माता के संत सीताराम एवं परिरक्षक डाइट के व्याख्याता ललित पवार ने की। कार्यक्रम में सैयद यास्मीन ने स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। ओम प्रकाश बिश्नोई ने विभिन्न छात्रवृत्तियों की जानकारी दी। इस मौके पर नव प्रवेशित बालक बालिकाओं को माला पहनाकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में गत वर्ष के प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए पुनर्शाला में जोड़ने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से पौधारोपण किया गया। विद्यालय परिवार द्वारा 100 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। नगर के वैज्ञानिक बनने का सपना हुआ साकार। आबू और सलाई खमत की रिपोर्ट के अनुसार 5 प्रतियोगी परीक्षाओं को एक साथ पास किया एवं चारों में अच्छे अंकों से पास हुआ। सरकारी कॉलेज रिसर्च के वैज्ञानिक बनने के लिए सपना पूरा हुआ। इस सब परीक्षाओं को उत्तीर्ण होने में आकाश इंस्टीट्यूट जोधपुर के हेड प्रतीक कपूर द्वारा मोटिवेशन दिया गया। यह सारा श्रेय उनको जाता है। हर्ष जिंकर के पिता कैलाश जिंकर ने बताया कि हर्ष द्वारा नीट मेडिकल के 93% से उत्तीर्ण की, जी मेन 93%, जी एडवांस 677 कैटेगरी रैंक से नेक्स्ट रिसर्च एवं ऑटोमेटिक एनर्जी उत्तीर्ण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, जहां हर जिंगर आबू रोड का चयन होने से वैज्ञानिक बनने का सपना साकार होगा। उक्त कॉलेज मिलने से रिश्तेदारों और मित्रों में खुशी का माहौल बन गया। तो छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जन समय न्यूज के साथ। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। कांग्रेस सरकार परिसीमन लाकर नेतृत्व संख्या बढ़ाने का काम कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व करने का मौका मिल सके। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रावल ने कहा कि वार्ड अनुसार संयोजक बनाकर कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। नगर में जो कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हो ऐसे व्यक्ति को पद दिए जाए। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बागेंद्र रावल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एक जातम पर बैठ कर ही पार्टी को जीता। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बागेंद्र रावल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एक जाजन पर बैठकर ही पार्टी को जीत दिला सकते हैं। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमाराम देवासी, संगठन महामंत्री मय दान चारण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजहरुद्दीन मेमन, जवाराम पुरोहित, नगर पालिका प्रतिपक्ष संजय गर्ग, नगर पालिका वार्ड पार्षद रमेश गुर्जर, चेलाराम देवासी, वरिष्ठ कांग्रेसी ताराराम पालीवाल, लालाराम खटीक, युवा नेता खीमाराम देवाशी, छगन बी टॉक ने भी सभा को संबोधित किया। बैठक में पिंडवाड़ा नगर में पीलाराम देवासी को प्रभारी नियुक्त किया। भारत विकास परिषद ने स्कूली बच्चों को वितरित की पाठ्य सामग्री। आबू रोड से लई कमत की रिपोर्ट के अनुसार भारत विकास परिषद आबू रोड द्वारा सातपुर पंचायत के 2 स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोपाफली एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चामुंडा माताफली में बच्चों को 300 नोटबुक्स, पेंसिल, रबड़ व बिस्किट वितरित किए गए। परिषद के सदस्यों के साथ भूतपूर्व अध्यक्ष मधुसूदन सराफ, मुकेश अग्रवाल, सचिव अजय गुप्ता, अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, स्कूल के शिक्षकगण, SMC अध्यक्ष गमाराम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य मोतीलाल गोयल, व्याख्याता मीना गोयल एवं ग्रामवासी आदि उपस्थित। माधवेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 9 जुलाई से। स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार स्वरूपगंज के समीपवर्ती आबू रोड रोड पर नेशनल हाईवे स्थित श्री सरगा माता मंदिर उडवारिया ग्राम पंचायत भीमाड़ा सरगा माता मंदिर के श्री माधवेश्वर महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष धनजी भाई माली भीमाड़ा के तत्वावधान में नवनिर्मित श्री माधवेश्वर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे।
मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा का जिम्मा श्री माधवेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष धनजी भाई माली भीमाड़ा ने लिया है। प्राण प्रतिष्ठा में विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी महाराज आसन जाड़न जिला पाली सहित कई संत महात्माओं का पावन सानिध्य रहेगा। महोत्सव में भजन गायकों द्वारा 3 दिन तक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। वेलफेयर सोसाइटी ने विद्युत की पाठ्य सामग्री लईघमत की रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना के सहयोग से राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी मुंबई की ओर से आदिवासी क्षेत्र की 68 स्कूलों में पाठ्य पुस्तिका व स्लेट बॉल पेन सहित शिक्षण सामग्री वितरित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश रावल पुरोहित व मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी बार सिंह तहसीलदार ब्रजेश गुप्ता वरिष्ठ अतिथि शिवसेना जिला प्रमुख रमेश रावल व सहयोगकर्ता प्रकाश डी जैन की अगुवाई में समस्त स्कूलों के अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी के प्रकाश जैन राजू भाई लाला कांतिलाल प्रजापत निर्मल भाई जैन मकई जैन सहित समाज के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में शिवसेना के उप जिला प्रमुख भरत राजपुरोहित आबुरोहित नगर प्रमुख लाला राम खारवाल अमृत रावल गोविंद गिर नगर सहित कई शिव सैनिक व ग्रामीण मौजूद थे। एजुकेट गर्ल्स एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित एजुकेट गर्ल्स परियोजना के जिला कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि देवघर व पिंडवाड़ा ब्लॉकों के क्लस्टर स्तर पर टीम बालिका व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके कार्यों को साझा किया गया। समुदाय को बालिका शिक्षा की महत्वता बताई गई। टीम बालिकाओं व जनप्रतिनिधियों के मध्य बालिका शिक्षा विषय पर बैठक आयोजित की गई जिसमें ब्लॉक ऑफिसर जितेंद्र कुमार ने टीम बालिकाओं के द्वारा किए गए कार्यों को जनप्रतिनिधियों से अवगत करवाया। बैठक में बालिका शिक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई। सरकारी विद्यालय में नामांकन द्वितीय चरण में बालिकाओं के 100% नामांकन करवाने में जनप्रतिनिधियों को सहयोग के लिए अपील। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत जय श्री।